केक जैसी रोमांटिक एक्शन या कॉमेडी मूवीज देखकर थक गए हैं, तो जो लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते, इन फिल्मों को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, अपने वीकेंड को थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। हमारे पास आपके लिए बेस्ट हॉरर फिल्मों की एक ऐसी लिस्ट है जो हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं, तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म कंजूरिंग की। साल 2013 में रिलीज हुई ये फिल्म काफी ज्यादा डरावनी है और वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक है। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को देश और दुनिया में खूब पसंद किया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि एक फैमिली किसी फार्म हाउस में रहने के लिए जाती है जहां उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। आगे क्या होता है उसे जानने के लिए आपको फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। इस फिल्म में आपको हॉरर के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिलर का भी भरपूर तड़का देखने को मिलेगा और ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एनाबेल। फिल्म एनाबेल एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सिंपल सी दिखने वाली डॉल के अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर लेती है और ये बुरी आत्मा डॉल के अंदर घुसने के बाद कैसे लोगों को डराने का काम करती है। अगर आप हॉरर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित हो सकती है और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर देखने को मिलेगी। आपके लिए मैं थर्ड ऑप्शन लेकर आई हूं ऑर्फन। फिल्म ऑर्फन साल 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक पति पत्नी जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी को खोया है, वो एक 9 साल की बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट की हुई बच्ची उतनी इनोसेंट नहीं होती जितनी वो शक्ल से दिखाई देती है। हम आपको इसका स्पॉइलर नहीं देंगे क्योंकि आगे जो होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है घोस्ट स्टोरीज। साल 2020 में आई हॉरर फिल्म घोस्ट स्टोरीज फॉर श्योर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस फिल्म में 4 शॉर्ट स्टोरीज को दिखाया गया है जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों को डराने के लिए वो बखूबी कामयाब हो जाती है और इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फिल्म छोरी की। छोरी साल 2021 में आई एक हॉरर फिल्म है जिसमें नुसरत भरूचा लीड रोल में है। छोरी 2017 की मराठी फिल्म लपाछपी पर बेस्ड है। साक्षी और उसके पति को उसके घर के बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वहीं कहीं और रहने के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन साक्षी को उस घर में खौफनाक एहसास होने लगता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। ये फिल्म आपके लिए काफी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती है, तो आप इसको एक ऑप्शन की तरह ले सकते हैं और ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं फिल्म स्त्री के बारे में। अगर आप हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी देखना पसंद करते हैं तो स्त्री आपके लिए आई एम श्योर बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। साल 2018 में आई ये फिल्म स्त्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। ये कर्नाटक के नालेबाकी कहानी पर बेस्ड है। कहा जाता है कि एक डायन है जो कि अक्सर रात को दरवाजा खटखटाती थी और लोगों को मार दिया करती थी। उसकी आवाज लोगों के परिवार और दोस्तों की तरह लगती थी, जिसकी वजह से लोगों को उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता था और बाद में जाकर उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि आपको बता दें, फिल्म हॉरर कॉमेडी है जिसे देखकर आप हर मोड़ पर हंसेंगे भी और साथ साथ डर भी जाएंगे। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको कौन सी हॉरर फिल्म पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।